यहाँ पर रुके हैं और यहीं से जगन्नाथ जी की शत्रुता में भर हो गया। इसलिए वो यहीं से जगन्नाथ का जो चक्र है ना और उनका जो झंडा है वो यहीं से दर्शन करते हैं, रोज वो प्रणाम करते हैं। और महाप्रभु उनको तो एक अचल जगन्नाथ और एक सचल जगन्नाथ। अचल जगन्नाथ को तो चलते नहीं को जगन्नाथ जी, मतलब सचल जगन्नाथ कौन है तो चलते नहीं कौन से चैतन्य महाप्रभु। देखो हरिनाम कीर्तन का कितना प्रभाव है, क्योंकि मुसलमान कुल में जन्म हुए जितने उन्होंने ब्रह्मा है, लेकिन मुसलमान कुल में जन्म हुए मुसलमान कुल में क्यों मुसलमान कुल में जन्म हुए, पहले जीवन में वो ब्रह्मा थे, पहले जीवन में उठा सुंदर ये पहले जीवन में वो ब्रह्मा थे, लेकिन ब्रह्मा बनकर कृष्ण का बचड़ा सका सुनी की बाद में बड़े दुखी दुखी होकर के हम कहते ना अंदर भी कहते अंदर भी महाप्रभु का जो जन्मस्थान वहीं पर उन्होंने कठोर उनके तपस्या की और वहीं पर महाप्रभु प्रकट होकर के अपना अंतर की बात उन्होंने ब्रह्मा जी को बताई। क्या बताए, बोले कली युग में सच्चिदानंद गौर हरि बन कर के आला, उस समय तो रामाचार्य हरिदास ठाकुर बन कर के आला, इसलिए उन्होंने देखा हमें ब्रह्मा बना दिया ना, इसलिए अभिमान आए कहना प्रभुता पाई का वदना है, प्रभुता पाई का वदना है, जगत में ऐसे कौन व्यक्ति जिसके अंदर घमंड नहीं आता है। इसलिए उन्होंने बोले अभी मैं छोटे कुल में जन्म लूँगा फिर कोई अभिमान नहीं आएगा, कर भगवान भगवान दीन व्यक्ति को जल्दी कृपा करते हैं, इसलिए कौन सा कुल में हरिदास बन करके मुसलमान कुल में वो जन्म लेकर के आए और इनका क्या सेवा करेंगे, बोला हरिनाम संकीर्तन का सेवा करेंगे। इसलिए महाप्रभु ने नामाचार्य बताए, ये नाम से आचार के हैं। अगर कलयुग में भगवान को पाने का केवल एक रास्ता है हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम है जो केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते करते रह सकता, और हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए महाप्रभु इनको द्वारा जगत में दिखाया हरि नाम को द्वारा जो हम भगवान प्राप्त करेंगे, हरि नाम हमें कैसे करनी चाहिए, हरि नाम हमें कैसे करनी चाहिए, इनको उन्हें आदर सके महाप्रभु इनको प्राप्त करके इनको द्वारा उन्होंने सिखा दिया। इसलिए इन्होंने जब महाप्रभु संन्यास लेकर के आए ये भी उनको साथ कराए, इनको मेरे चरण तरह से छोड़ा है, इनको भी लेकर के आए मतलब प्रभु हमें दूर मत रखना पास मत रखना, इसलिए अभी जाएंगे जहाँ महाप्रभु के होते उनको एकदम पास नहीं एकदम महाप्रभु का पीछे एकदम उनको पास यहीं पर रखे और यहीं पर बैठ करके लाल हरिदास ठाकुर हरिनाम करते सारे बता दूँ। यहीं पर श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी यहाँ पर आकर इनको पास करते हैं, इसलिए महाप्रभु इतनी इनको पास बनाए। रूप गोस्वामी ग्रंथ लिख रहे थे, क्या ग्रंथ लिख रहे हो उस समय वो लिख रहे थे, कौन सा ग्रंथ लिख रहे थे, ललिता माधव और विदर्भ माधव ग्रंथ लिख रहे थे, और उसमें उन्होंने उनका मंगलाचरण श्लोक लिख रहे जो मंगलाचरण श्लोक था अगर महाप्रभु कैसे कलयुग में ब्रह्मा का एक दिन में कैसे वो एक बार आकर के वो जो ब्रह्मा शंकर जो प्रेम के लिए तरसते हैं वो दुर्लभ प्रेम कैसे देते हैं, वो कौन है जैसे सच्चिदानंद महाप्रभु इतने खुश हो। फिर उन्हें पन्ने पलटा पलटा देखा हरि नाम का ऊपर में एक महिमा श्लोक है जिसको कहते तुंडे तांडव महाप्रभु तो सुनकर कितने प्रसन्न हो गए, बोले हरिनाम की महिमा बहुत सुन बहुत शास्त्र में नाम की महिमा सुने, लेकिन इतने श्लोक इतने अद्भुत हमने ये श्लोक देखे, महाप्रभु स्वयं पढ़े स्वयं देखे, लेकिन उनका आनंद हृदय में इतना आनंद हुआ ना और हृदय में समा नहीं पाए, राय राम स्वरूप का मंदिर सार्वभौम भट्टाचार्य और सबको लेकर फिर लिख रहा है, फिर लेकर के आगे फिर वो श्लोक सुना फिर वो श्लोक इतने प्रसन्न हो गए महाप्रभु। हरिदास ठाकुर तो नाच उठे तुमने धन अपने नाम की महिमा सुन करके हरिदास ठाकुर नाचने लग गए, क्या श्लोक बनाया तुमने, क्या तुमने श्लोक बनाया है,
इसलिए ये लीला यहीं पर है जहाँ पर महाप्रभु भक्तों साधन किए, यहीं पर जगन्नाथ जी रथल साधना के सामने महाप्रभु प्रेम में हैं सही तो प्राण नाथ पाए जहाँ लगे बदल जाने, मतलब वही मेरे प्राण दिया को नहीं जगत कृष्ण चल रहे, वही बड़े दिनों के बाद में जो कुरुक्षेत्र के बाद में व्रज छोड़ के गए बड़े दिनों के बाद में जो कुरुक्षेत्र उनको साथ में मिले उसी भाव से साधारण जागृत लोग हाँ एक लड़का लड़की से प्रेम करते हैं छूट करके कैसे से कैसे प्रेम के साधारण लोग पढ़ रहे थे तो उस लोगों को कोई नहीं समझ पा रहे थे, साधारण काफी लोग का एक लड़का लड़की का प्रेम के लिए श्लोक भी पढ़ रहे हैं कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन रूपों को स्वाम को बात को समझ करके सुंदर एक ताल पत्ते को करे सुनने की जैसे उन्होंने ताल पत्ते में उनका छाल भूस का था मकान उसमें उन्होंने रख लगा महापुरुष देखा सुने के जैसे अगर उनको उसको कर करके जब उससे अनुरूप उन्होंने भक्ति पूर्व के श्लोक लिखा महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए धन्यवाद दिए हैं कि तुमने ये सब लीला इतने पर की, और देखो भगवान किसी को ठाकुर जी भगवान जिसको गोद में लेकर खाते थे सुने, अरे भगवान ने लेकर के स्वयं अपना हाथों में समाधि दी जिसको सुने नहीं, और जब उसको समाधि दिया ना समुद्र को बोले बोले समुद्र अभी तक तो उसको कुदरत था, लेकिन ये हरिदास ठाकुर का संस्पर्श से तीरा से नहीं तो महादेश्वर ने दिया, जब कोई व्यक्ति मर जाता है लेकिन वैष्णव का जो शरीर अपना करते हैं उन्होंने समुद्र को बोले तिरक नहीं आज वो महातिरक हो गया, और भगवान अभी तक इसके लिए भिक्षा नहीं मांगे इन्हीं के लिए उन्हें आनंद बजान में गए स्वयं चुगली पिला पिला सभी को बात उन्होंने भिक्षा मांगा और सबको अपना हाथ में बैठा के महाप्रभु पिलाया, और उन्होंने ये भी बताया जो व्यक्ति इनकी निर्जा में महोत्सव में आए शरीर छोड़ने का महोत्सव में आए जो केवल रेखी किया वहाँ पर यहाँ तक भी जो केवल इंदुको उत्सव ने प्रसाद ग्रहण किया जो उनका आशीर्वाद होता हो तो इन्हीं के लिए महाप्रभु जितने भी प्रतिभाग महाप्रभु उसी के लिए प्रतिभाग होता है इन्हीं के लिए प्रतिभाग होते हैं कभी केवल नाम आधारा उन्होंने नाम संगीत करने की दिमाग आप कीर्तन किया इसलिए महाप्रभु महाप्रभु क्या करते हैं अगर हम ही अगर हरिनाम कीर्तन करेंगे हरिनाम में कीर्तन आप पेश करेंगे ना महाप्रभु अमर नीति का महाप्रभु से क्या करते हैं इसलिए हम सबके साथ हरे सबेरे उठो और अपना छुट्टी लो सबेरे उठ करके अपना
जुटी लो और अपना जुटी लेकर के हमको सवार सीखो, ये जुटी लेकर के हमको सवार मारो, मतलब ये मान बड़ा दुष्ट और सारे जगह का आपके लिए तैयार होगा, लेकिन हर काम के लिए ये तैयार नहीं होता है। इसलिए उन्होंने सीखा किया हरि नाम हमें एकदम सही सही माला करके हाँ वजन करके माला के पर हमें हरिनाम का पूरा पक्का होती है। ठीक है, हरिनाम संगीत।